नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश का। निफ्टी व्यू 20 अप्रैल 2020 21 के लिए। मैं कह रहा था काफ़ी दिनों से ये जो अपमू है ये रिएक्टिव अपमू है, मतलब ऊपर तो गया है लेकिन नीचे आने के लिए, वैसा ही हुआ, अनफोल्ड हुआ। हाँ, एक गैप डाउन खुला है, फिर एक अपमू मिला, तो लोगों को लगता होगा यहाँ से कुछ पैटर्न बना हुआ है, हैमर पैटर्न या कुछ बोलते हैं, तो शायद एक अपमू मिल सकता है। वह लार्जेस्ट स्ट्रक्चर देखें, एक बात तो पक्की है, यहाँ पर वीकनेस है। ये अपमू गया है नीचे आने के लिए, और ये छोटा अपमू है ना, ये भी अपमू गया है नीचे आने के लिए, वैसा ही पैटर्न है। ये जो गिरावट देख रहे हैं आप, मैंने मार्क किए, वैसी गिरावट और एक आ सकती है, सिंपल है, ये पॉसिबिलिटी है। अब जो ये लेवल है यहाँ पर 14,250 मुझे लगता है ये एक अहम लेवल है। यहाँ पर हमको पहला इंडिकेशन मिलेगा कि निफ्टी नीचे आ रहा है। दो बातें हो सकती है, यहाँ पर कहीं खुले और नीचे आ जाए, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, यहाँ पर खुले और ऊपर जाए, और तीसरा पॉसिबिलिटी गैप डाउन, यस पॉसिबिलिटी। ऐसा कुछ हो जाए तो 14,000 में एक सपोर्ट है, वहाँ पर सपोर्ट निफ्टी उसके आसपास ले सकता है, क्योंकि FNO एक्सपायरी भी वीकली है, परसों छुट्टी है वेनेसडे, तो कल जिसको भी करना है शॉर्ट कवरिंग करेंगे, तो एक गैप डाउन मिलेगा, शायद वहाँ पर मिल सकता है, फिर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में दोनों में फ़र्क है। पॉसिबल तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, चांसेस क्या है, चांसेस कम लगते हैं बस। मैंने शॉर्ट पोजीशंस ली हुई हैं निफ्टी वाया पुट्स, अगर अपू मिला तो नुकसान होगा मेरा, दैट्स ऑल सिंपल। अगर डाउन मूव मिला या गैप डाउन मिला तो बढ़िया प्रॉफिट होगा ना। हमको तो ट्रेड लेना है, चांसेस लेने हैं, और रिस्क जो होना चाहिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ट्रेड में। अगर रिस्क एक्सेप्टेबल है तो ट्रेड लीजिए, अगर रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है तो ट्रेड मत लीजिए, सिंपल एज दैट। चलो निफ्टी बैंक की बात करें, ये रही निफ्टी बैंक, यहाँ का स्ट्रक्चर क्या लगता है, वैसा ही वीक लगता है। ये अपमू मिला है नीचे आने के लिए, ये भी अपमू मिला, ये वीक अपमू है, वैसा ही है लेकिन वीक है, इसमें भी और एक गिरावट आ सकती है। और 30,900 ये पहला अंदाज़ा मिलेगा हमको जब ये ब्रेक करेगा, अगर ऊपर खुला ये ब्रेक करेगा तो पहला इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट डाउन जा रहा है। हो सकता है मार्केट 32,000 की तरफ जा रहा है, जाए भी चला जाए, लेकिन मुझे उसका चांस लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये जो शॉर्ट्स हैं उनको और एक गैप डाउन चाहिए, और एक अगर गैप डाउन मिलता है तो हो सकता है 30,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, वहां पर यस शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर गैप डाउन मिला तो पॉसिबल है कि वहां पर शॉर्ट कवरिंग आए। ध्यान दीजिए, हमको हमारे पॉइंट्स रेडी रखने चाहिए, और हमको सिर्फ अपने पॉइंट्स ट्रेड करने चाहिए। मार्केट पर तो किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन अपने पॉइंट्स पर तो हमको कंट्रोल, हमारे पर कंट्रोल है ना। हम अपने पॉइंट्स ट्रेड करें, मुनाफा बनता है, सिंपल। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, कहता हूँ अंग्रेजी में, क्योंकि भाव भगवान।